तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के उर्दू का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मिट्टी का तेल। हालांकि इसके पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कम्प्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और एग्ज़ाम के समय तक चीज़ें आप लोग को याद रहेंगी लॉन्ग टाइम। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है जितना ज़्यादा हो सके, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। देखिए, ये जो मिट्टी का तेल नाम का चैप्टर है, ये एक मज़मून है, याद रखना है। मज़मून किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं। मज़मून को हिंदी में कहा जाता है निबंध और इंग्लिश में कहा जाता है एसे। यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से लिखकर बयान कर देना ही मज़मून कहलाता है, निबंध कहलाता है। किसी भी टॉपिक के ऊपर उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से लिख कर बता दो तो उस लिखे हुए को क्या बोला जाएगा, निबंध, यानी कि उर्दू में मज़मून। ठीक है, उसी तरह ये जो मज़मून है किसके ऊपर लिखा गया है, मिट्टी के तेल नाम के टॉपिक के ऊपर लिखा गया है। मिट्टी के तेल के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। अब देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ज़रा मज़मून के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि आप लोग के बुक में थोड़ा डिटेल्स दिया गया है मज़मून के बारे में। मज़मून की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, यानी कि ढेर सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आप लोग के बुक में मेनली मज़मून की 4 किस्में यानी कि 4 टाइप बताया गया है। पहला है तनकीदी मज़मून यानी कि क्रिटिकल एसे। दूसरा है इल्मी मज़मून यानी कि लिटरेरी एसे। तीसरा है ज़रीफ़ाना मज़मून यानी कि लाइट एसे। और चौथा है इंशाइया यानी कि पर्सनल एसे। इंशाइया के बारे में आप लोग को आगे जाकर पढ़ना है, 2-3 चैप्टर के बाद आप लोग को इंशाइया तो पढ़ना ही है। वहाँ पर मैं आप लोग को डीपली बता दूँगी इंशाइया किसे कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, मज़मून के बारे में ये 4 टाइप याद रखिएगा। मज़मून का कितना टाइप, मेनली 4 टाइप, तनकीदी, इल्मी, ज़रीफ़ाना और इंशाइया, ये 4 टाइप। और इसके बारे में डिपली नहीं दिया गया आप लोगों के बुक में, बस इतना याद रखिएगा कि तनकीदी, इल्मी और ज़रीफ़ाना और इंशाइया मज़मून किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, तनकीदी मज़मून उस मज़मून को कहते हैं जिस मज़मून में, जिस टॉपिक के ऊपर वो मज़मून लिखा गया है, उस टॉपिक की अच्छाई और बुराई दोनों बताई गई हो और उसके साथ साथ उसमें शेर व शायरी की तरफ खिंचाव हो, मतलब शेर व शायरी की तशरीह व तफरीह की गई हो, तो उस तरह के मज़मून को कहते हैं हम लोग तनकीदी मज़मून, इंग्लिश में क्रिटिकल ऐसे। और दूसरा क्या है, इल्मी मज़मून। इल्मी मज़मून नाम से ही क्लियर है, वैसा मज़मून जिससे हमें इल्म हो, ज्ञान हो, उस तरह के मज़मून को कहते हैं इल्मी मज़मून, इंग्लिश में लिटरेरी ऐसे। और तीसरा है आप लोगों का ज़रीफ़ाना मज़मून यानी कि लाइट ऐसे, जिस मज़मून से में हंसी मजाक हो, जिस मज़मून में हंसी मजाक हो उसके, उस मज़मून को कहते हैं हम लोग ज़रीफ़ाना मज़मून और इंग्लिश में लाइट ऐसे। लास्ट है इंशाइया यानी कि पर्सनल ऐसे, ये भी नाम से क्लियर है, वैसा मज़मून जिसमें पर्सनल चीज़ों का जिक्र किया गया हो, जाति, अपना निजी बातों का जिक्र किया गया हो, उस तरह के मज़मून को कहते हैं हम लोग इंशाइया यानी कि पर्सनल ऐसे। इंशाइया के बारे में आप लोगों को आगे जाकर डीपली पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, 2-3 चैप्टर के बाद इंशाइया ही पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मज़मून की 4 किस्में समझ गए, तो ये चैप्टर एक मज़मून है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो राइटर हैं कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी, याद रखिएगा। मिट्टी का तेल नाम के इस चैप्टर के मुसन्निफ़, लेखक का क्या नाम है, ख्वाजा हसन निज़ामी। तो सबसे पहले ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में सारा डिटेल्स समझ लीजिए, जितना भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में, सभी चीज़ों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुसन्निफ़ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चैप्टर भी पढ़ना है और मुसन्निफ़ के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया उसको भी जानना और याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद से चैप्टर को फटाफट स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द एकदम मस्ती से कंप्लीट भी कर लेंगे समझकर। चलिए, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी दिसंबर 1878 ईस्वी को दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में। ख्वाजा हसन निज़ामी, इनके नाम में ही छुपा हुआ है इनकी पैदाइश के जगह का नाम, निज़ामी से, ख्वाजा हसन निज़ामी, निज़ामी से याद रखना है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती में इनकी पैदाइश हुई थी दिसंबर 1878 को दिल्ली के कौन से बस्ती में, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में इनकी पैदाइश हुई थी, जो उनका आबाई मकान था। आबाई मकान मतलब समझ लीजिए कि मूल निवास वहीं के थे, मूल निवासी थे वहीं के। और इनके वालिद, पिताजी का नाम था सैयद आशिक अली निज़ामी, इनकी माँ वालिदा का नाम था सैयदा चहेती बेगम, और बड़े भाई का नाम था
सैयद हसन अली शाह। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 12th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम, इसी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदीन के इंतकाल के बाद उनकी कफालत किसने की। ऑप्शन में दिया था सैयद हसन अली शाह। तो यहाँ पर देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी के अभी कम ही उम्र के थे, तभी इनके वालिद और वालिदा यानी कि माता पिता वालिदीन का इंतकाल हो गया, तो उनकी कफालत उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने किया था। तो जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको पता होगा और वो लगा कर आए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दी, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदीन की मौत के बाद उनकी कफालत किसने की, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सैयद हसन अली शाह, उसको टिक कर देना है। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा था इस बात ने, वालिदीन ने उनका नाम कासिम अली रखा था, ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम जो है ना उनके माता पिता मिलकर क्या रखे थे, कासिम अली। याद रखिएगा वालिदीन यानी कि माता पिता दोनों, तो माता पिता जो है ना मिलकर ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम कासिम अली रखे थे, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी के जो मामू हैं ना, मामू उन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। तो अब कौन सा नाम रखा जाए इनका, तो अल्लामा इकबाल जो है ना, अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू कर दिया और वह उसी नाम से मशहूर हुए। भले ही उनके वालिदीन नाम रखे थे कासिम अली, उनके मामू बुलाते थे अली हसन, लेकिन जो अल्लामा इकबाल नाम रखे थे ना, लिखे थे ख्वाजा हसन निज़ामी, इसी नाम से वो मशहूर हो गए, ख्वाजा हसन निज़ामी नाम से ही। मुख्तलिफ़ असातजा से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की, अलग अलग टीचर से इन्होंने कुरान व हदीस की शिक्षा लिए थे, और 18 बरस की उम्र में चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ, लेकिन पहली बीवी के वसाल के बाद सैयदा महमूद बानो से निकाह हुआ। देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी की जब शादी हुई थी 18 बरस की उम्र में निकाह हुआ था ना सैयदा हबीब बानो से, तो सैयदा हबीब बानो की मौत हो गई, इनका इंतकाल हो गया, तो जब पहली बीवी का इंतकाल हो गया तो फिर से इन्होंने निकाह किया, और दूसरी बीवी का क्या नाम था, सैयदा महमूद बानो। याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछे कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वाइफ का क्या नाम था, मतलब बीवी का क्या नाम था, तो अगर ऑप्शन में दे सैयदा हबीब बानो तो इसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में दे सैयदा महमूद बानो तो इसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं। दोनों तो एक साथ कभी देगा नहीं क्योंकि दोनों वाइफ ही थी। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एक रिसाला भी जारी किया जिसका नाम था निज़ामुल मशायख पत्रिका, इन्होंने पत्रिका का भी गठन किया था निज़ामुल मशायख। याद रखना है ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के एक रिसाला का नाम बताइए, ऑप्शन में दिया रहेगा निज़ामुल मशायख। अब देखिए इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई, ख्वाजा हसन निज़ामी की जो शुरुआती ज़िंदगी थी ना बड़ी परेशानियों में बसर हुई थी, क्या बताया जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किलों और परेशानियों का ये सामना किए थे। लेकिन जो इंसान मुश्किलों और परेशानियों से सामना करके आगे बढ़ जाता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में मतलब वो ये सोचता है कि परेशानी है, आई है तो ठीक है, परेशानी के बाद हमें अचीवमेंट ही न मिलेगी, खुशी ही न मिलेगी, तो परेशानियों से सामना कर लो। उसी तरह ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ आई उससे लड़ते गए, समस्याओं से लड़ते गए और आगे बढ़ते गए, और आगे जाकर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार भी हुआ। तो इसी तरह होना चाहिए हर इंसान को कि उसके ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, उसे हमेशा अपनी समस्याओं को फेस करना चाहिए, ना कि समस्याओं से हार कर बैठ जाए और सर पकड़ ले कि खुदा भगवान गॉड ने हमारी ज़िंदगी में हमारे ही किस्मत में इतना दुख इतना तकलीफ़ क्यों लिखा है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह कभी बोलना ही नहीं चाहिए। खुदा से ये दुआ करना चाहिए कि खुदा तुम मुझे परेशानियाँ दे रहा है तो दे, समस्याएँ दे रहा है तो दे, लेकिन उससे लड़ने की, उससे फेस करने की ताकत भी, वो तौफीक भी, वो हौसला, वो हिम्मत भी अता फरमा, ताकि मैं उन समस्याओं से उन परेशानियों से लड़ सकूं। इस तरह होना चाहिए इंसान को। तो ख्वाजा हसन निज़ामी भी इनकी इब्तदाई ज़िंदगी यानी कि शुरुआती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, लेकिन इन्होंने फ़ेस किया अपनी मतलब समस्याओं से लड़े, और 200 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखीं और हर जगह सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया। ये नहीं कि ज़्यादा टफ़ लैंग्वेज मतलब ज़्यादा टफ़ लफ्ज़ का यूज़ करते थे, नहीं, एकदम सादा ज़ुबान, सादा भाषा, 200 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और उन्होंने मुख्तलिफ़ तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की, मुख्तलिफ़ तीर्थ स्थान यानी कि अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर ये यात्रा भी किए थे, और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़ा वेदांत भी सीखे थे। मतलब आप बोल सकते हैं फ़लसफ़ा वेदांत का मतलब क्या, वो जो होता है ना वेद वेदांत वगैरह, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद,
ऋग वेद वगैरह, तो ये वेद और वेदांत फलसफा वेदांत सीखे थे हिंदू साधुओं से और अलग 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 तीर्थ स्थान पर जाकर ये यात्रा किए थे। इनकी तसनीफ की बात कर ले, क्रिएशन की, ये क्या क्या लिखे हैं, कितनी किताबें लिखे हैं, ये सारा चीज़। और मेनली आप लोग के बुक में देखिए इनका तसनीफ दिया गया है रोजनामचे, किसका लिखा हुआ है, ख्वाजा निज़ामी का, कलमी चेहरे और सी पारा दिल। ये तीनों जो है ना याद रखना है, ये ख्वाजा निज़ामी की तसनीफ है, इनका क्रिएशन है, इनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि दर्जायल में से कौन ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ नहीं है। ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया रहेगा रोज़ नामचे, बी में दिया रहेगा कलमी चेहरे, सी में दिया रहेगा सी पारा दिल और डी में कोई दूसरे राइटर का तसनीफ दे देगा, तो उसको आप लोग टिक कर देना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ देता है कि दर्जायल में से कौन ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है, यानी कि क्रिएशन है। ऑप्शन में दिया रहेगा सी पारा दिल, उसको टिक कर देना है जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे, ठीक है। और देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना निज़ामी बंसुरी के नाम से तरतीब की। ख्वाजा से निज़ामी जो है ना, जिस जहां पर वो पैदा हुए थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना बायोग्राफी जो है ना निज़ामी बंसुरी के नाम से इन्होंने लिखा। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना किस नाम से ख्वाजा से निज़ामी तरतीब की है। ऑप्शन में दिया था निज़ामी बंसुरी, तो याद रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से, यह हर एक चीज़ मैं आप लोग को बताते चल रही हूँ, उसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रख लेना है और उसी वक्त याद कर लेना है। सारा डिटेल्स इनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपनी मौत से 50 बरस पहले ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में कब्र तैयार करा लिए थे, यानी कि इनकी मौत हुई थी 1955 में, 1955 से 50 साल पहले ही ये अपना कब्र तैयार करवा लिए थे। कहाँ पर, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ही ये अपना कब्र तैयार करवा लिए थे 50 साल पहले, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ख्वाजा से निज़ामी अपनी मौत से कितने साल पहले कब्र तैयार करवा लिए थे, या फिर कहाँ पर, तो कितने साल पहले, तो 50 साल पहले। कहाँ पर, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में अपनी कब्र तैयार करवाए थे, ठीक है। इनका इंतकाल 31 जुलाई 1955 को हो गया था, ठीक है। इनके मतलब इंतकाल का डेट याद रखना आसान है, क्योंकि इतना तो आप लोग को पता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी मौत से 50 साल पहले कब्र बनवा लिए थे। 50 में 5 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, यानी कि 1955। ये थोड़ा याद रखने का ट्रिक आप बना सकते हैं अपने माइंड से ही सोचकर, ठीक है। तो ये हो गया ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोग के बुक में दिया गया था। अब चलिए हम लोग फटाफट इस मिट्टी के नाम, ये मिट्टी का तेल नाम का जो चैप्टर है, ये मज़मून, इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसमें मिट्टी की तेल की खूबियों के बारे में क्या क्या बताया गया है, मिट्टी के तेल के बारे में क्या क्या बताया गया है। ये हर एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करके, समझ करके और कंप्लीट ही कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, शॉर्टकट है आप बोल सकते हैं, मज़मून है ना निबंध, मिट्टी के तेल के ऊपर लिखा गया है, तो जो भी बातें बताई गई है मिट्टी के तेल के बारे में, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर के, इस मज़मून के शुरुआत में ही ख्वाजा हसन निज़ामी लिखे हैं कि खुदा ने इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसका कोई यूज़ ना हो, जिसको हकीर व जलील और बेकार समझा जा सके। ऐसा कोई भी चीज़ खुदा ने इस दुनिया पर नहीं बनाई है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ होता है। बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में जो चार अंसुर है, यानी कि चार तत्व, आग, हवा, पानी और खाक, तो इन चारों तत्वों में सबसे ज़्यादा हकीर, जलील और बेकार खाक यानी कि मिट्टी को समझा जाता है। यही वो मिट्टी है जो हवा के झोंके की वजह से उड़ जाती है, पानी के बहाव से बह जाती है, आग की तमाजत यानी कि आग की गर्मी की वजह से जल जाती है, और यही वो मिट्टी है, यही वो खाक है जिसे हर इंसान, तमाम इंसान अपने पाँव से रौंदता है, लेकिन फिर भी ये मिट्टी उफ़ तक नहीं करती है। इसी वजह से हमें मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, ये ख्वाजा हसन निज़ामी इस चैप्टर की शुरुआत में ही लिखे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ देता है सब्जेक्टिव में कि हमें मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस क्यों आता है, तो तरस क्यों आता है, मैं आप लोगों को बता दी ना, यही वो मिट्टी है जो हवा के झोंके से उड़ जाती है, पानी के बहाव से बह जाती है, आग की तमाजत यानी कि गर्मी की वजह से झुलस जाती है, और यही वो मिट्टी है जिसे हर इंसान अपनी पाँव से रौंदता है, लेकिन फिर भी ये उफ तक नहीं करती है। इसी वजह से मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस आता है, लेकिन फिर भी इस मिट्टी से, इस खाक से जाकर पूछो और सवाल करो, तो ये मिट्टी जो है ना, खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है कि मेरी शान इतनी बड़ी और निराली बनाई, कि मेरे ही वजूद से किसी भी चीज़ का खमीर होता है। यहाँ तक कि इंसान
मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी पर ही रहता है और आखिर में अंत में मिट्टी में ही फना हो जाता है, उसको मिट्टी में ही दफन कर दिया जाता है। इसी वजह से मिट्टी जो है ना खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है, उसकी शान खुदा ने इतनी बड़ी और निराली बनाई। और इसी मिट्टी की तह में नायाब खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब इसी मिट्टी के तह में मिलेंगे आप लोगों को। और उन्हीं तह में मिले नायाब खजानों का यूज़ करके, इस्तेमाल करके इंसान आदमी कहलाता है। और इसी मिट्टी के तह में एक चिकना बदबूदार पानी मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल और चंबेली और मोतिया का तेल, इन दोनों के बीच कंपटीशन करवाया गया, मतलब देखा गया कि कौन बेटर है दोनों में। तो खुशबू के एतबार से, अगर खुशबू के लिहाज से देखा जाए तो चंबेली और मोतिया का तेल जीत जाते हैं, क्योंकि चंबेली और मोतिया का तेल का जो खुशबू होता है ना बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, लोग सूंघना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पर बात की जाए मिट्टी के तेल की खुशबू की, तो इसका खुशबू नहीं इसका बदबू होता है। मिट्टी का तेल आते ही लोग देखते के साथ ही क्या करते हैं, अपना नाक मुँह ढक लेते हैं। तो इस तरह जो है ना खुशबू के एतबार से चंबेली और मोतिया का तेल जीत जाता है। लेकिन अगर बात की जाए ज़रूरत के एतबार से, ज़रूरत के लिहाज से, तो अगर ज़रूरत के लिहाज से देखा जाए ना तो मिट्टी का तेल जीत जाता है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी मोटर गाड़ियां हैं, तमाम मोटर गाड़ियों को किसके वजह से चलाया जाता है, मिट्टी के तेल की वजह से। यानी कि मिट्टी के तेल की वजह से इस दुनिया में जितनी भी गाड़ियां चलती है सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के तेल की वजह से। यहाँ तक कि चिराग जलाने का काम मिट्टी का तेल ही करता है। तो ज़रूरत के लिहाज से मिट्टी का तेल जीत जाता है, लेकिन खुशबू के लिहाज से चंबेली और मोतिया का तेल। इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ता है, पुजारी पूजा करता है, बच्चे सबक याद करते हैं, चोर चोरी करता है, और इसी मिट्टी की तेल की रोशनी में चोर को पुलिस पकड़ता भी है। सोचिए ये मिट्टी का तेल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये बताया गया है सारा चीज़ इस चैप्टर में। और यही मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम भी बन जाता है। कैसे? इंसान का शरीके गम मतलब यही मिट्टी का तेल इंसान के गम में शरीक भी होता है। कैसे? जब इंसान का ब्रेकअप हो जाता है, इंसान का दिल टूट जाता है ना, तो उस वक्त इंसान जब अपने कमरे में अकेले गम में डूबा रहता है ना, तो उस वक्त कोई और नहीं मिट्टी का तेल ही अपना वजूद ख़त्म करके यानी कि जल जल के उस कमरे में रोशनी देता है और उसके गम में शरीक होता है। मतलब उस कमरे में कोई और नहीं, बस वो इंसान रहता है जो गम में डूबा रहता है, और उसका साथ कौन देता है? ये मिट्टी का तेल। वो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद ख़त्म करता है और उस इंसान के गम में शरीक होता है, और इस तरह शरीके गम भी बन जाता है मिट्टी का तेल, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है कैसे, तो आप लोग आसानी से लफ्ज़ों को सजा कर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो रॉकफेलर है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। कैसे? शुरुआत जो है अमेरिका का ये जो रॉकफेलर, ये शुरुआत किया मिट्टी के तेल का बिजनेस, और धीरे धीरे इसका बिजनेस मतलब बड़े पैमाने पर बढ़ता चला गया, और आज जो है ना तादाद दौलत का ये मालिक है, बहुत ज़्यादा इसके पास पैसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है सिर्फ मिट्टी के तेल का बिजनेस करके। मिट्टी बेगर्ज और बेताल्लुक है। देखिए मिट्टी लिखा गया, मिट्टी का तेल यहाँ पर रहना चाहिए, का तेल लिख दे रही हूँ मैं। मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक है, ये याद रखना है, ये बात सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे। तो सुनिए, मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक सच में है? मिट्टी का तेल का मतलब किसी से रिश्ता है? ये तो बेताल्लुक है, किसी से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको बस रोशनी देने से मतलब है, मिट्टी के तेल को सिर्फ रोशनी देने से मतलब है। अब इसकी रोशनी में कोई शराब शराबख्वारी करे, नमाजी जो है नमाज पढ़े, पुजारी पूजा करे, बच्चे सबक याद करे, या फिर चोर चोरी करे, चोर को पुलिस पकड़े, बस इसको रोशनी देने से मतलब है। कोई क्या कर रहा है इसकी रोशनी में, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि मिट्टी का तेल क्या है? बेगर्ज और बेताल्लुक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मिट्टी के तेल के पास ऐसी ताकत नहीं है कि ये बुरे कामों को रोक सके। अगर इसकी रोशनी में चोरी हो रहा है, शराबख्वारी हो रहा है, तो इसके पास ताकत है, बेशक इसके पास ताकत है, मिट्टी के तेल के अंदर ताकत है कि अपनी ताकत का यूज़ करके सभी बुरे कामों को रोक सके। लेकिन ये अपनी अच्छी ताकतों का इस्तेमाल करती है मिट्टी का तेल। और अगर इसी सुलह की पॉलिसी को हर इंसान अपना लेना, तो इस दुनिया में भी अमन और शांति कायम हो जाएगी। इसी तरह अगर इंसान भी, इंसान के अंदर भी अच्छी और बुरी दोनों ताकत होती है, लेकिन इंसान अपनी अच्छी ताकतों को छोड़ बुरी
ताकतों को अपनाता है, अपने आप को तकलीफ देता है और दूसरों को भी तकलीफ देता है। अगर इसी तरह का पॉलिसी अपना ले इंसान कि वो सिर्फ अपनी अच्छी ताकतों का इस्तेमाल करे, तो सिर्फ इस दुनिया में अमन और शांति होगा। जिस तरह मिट्टी का तेल के पास दोनों ताकतें, अच्छी और बुरी, ये चाहे तो चोरी, इसके रोशनी में जो भी चोरी करता है, शराबखोरी करता है, तो अपनी रोशनी से इसको मतलब अपनी बुरी ताकतों का इस्तेमाल करके सबको मतलब आग में झुलसा सकता है, लेकिन ये अपनी अच्छी ताकतों का इस्तेमाल करता है ना, इसको बस रोशनी देने से मतलब है। तो जिस तरह मिट्टी का तेल अपनी अच्छी ताकतों का इस्तेमाल करके सभी लोगों को खुश रखता है, अमन और शांति बनाए रखता है, बिल्कुल उसी तरह इंसान भी अगर अपनी अच्छी ताकतों का इस्तेमाल करे ना, तो इस दुनिया में अमन और शांति पैदा हो सकती है, कायम हो सकती है। तो इस तरह की सुलह की पॉलिसी को इंसान को भी, हर इंसान को अपनाना चाहिए। और यहीं पर जाकर आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मिट्टी का तेल का नाम का ये जो मजमून है ये यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जितना भी डिटेल्स बताई, हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट किस लिए बताया गया है, कमेंट में पूछिए कोई भी कंफ्यूजन है, या फिर अगर समझ में आए तो भी लिख कर बताइए कि हाँ हमें कंप्लीट समझ में आ गया है। तो चलिए, अभी तक शेयर नहीं किए वीडियो को तो शेयर कर दीजिए फटाफट, लाइक कर देना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।